स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड के इस बुलेटिन में और खबरों के साथ मैं हूं प्रीति बिष्ट। तो कई बार अति उत्साह या नेतागिरी करना कितना भारी पड़ जाता है सूर्यकांत धस्माना को अब एहसास हो रहा होगा, क्योंकि उन्हें 14 दिन तक उनके घर में ही आइसोलेट कर दिया गया है। कोरोना के चलते प्रशासन उन पर निगरानी शुरू कर दी। दरअसल सूर्यकांत धस्माना आइसोलेशन वार्ड में घुस गए थे अपने समर्थकों के साथ और कोरोना के संदिग्ध मरीजों से मुलाकात की थी। तो कांग्रेस के उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना को अब 14 दिन तक अपने ही घर में रहना होगा और साथ में उन कार्यकर्ताओं की भी खोज शुरू हो गई है जो अपने नेताजी के साथ साथ आइसोलेशन वार्ड में घुस गए थे। तो अब जिलाधिकारी ने आदेश दिया है कि सभी कार्यकर्ताओं को चिन्हित किया जाए और उन्हें भी सूर्यकांत धस्माना की तरह आइसोलेट किया जाए, यानी कि 14 दिन तक उनको घर पर ही रखा जाए और उनकी हेल्थ की यहां पर मॉनिटरिंग की जाएगी। तो कांग्रेस के नेता सूर्यकांत धस्माना जो आइसोलेशन वार्ड में घुस गए थे, तो ये एक बड़ी लापरवाही कहें या फिर ये कहें कि नेतागिरी के चक्कर में इतना ज्यादा उत्साह था कि वो शायद समझ नहीं पाए कि आइसोलेशन वार्ड के मतलब क्या होते हैं। वो वार्ड जहां पर किसी को भी इस तरह से आने जाने की अनुमति नहीं है, लेकिन ये भी सवाल है कि आखिर अस्पताल प्रशासन ने उन्हें अंदर जाने की अनुमति कैसे दी। और इस मामले पर बीजेपी के नेता मुन्ना सिंह चौहान ने कहा है कि बेहद गैर जिम्मेदाराना और दुर्भाग्यपूर्ण कदम है, कांग्रेस महामारी का भी राजनीतिकरण कर रही है। ये बहुत अफसोसजनक है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और इस ऐसा करके आपने केवल अपना स्वास्थ्य बल्कि तमाम सारे लोगों के स्वास्थ्य को भी खतरे में डाल रहे हैं। ये आप जो सुरक्षा चक्र है उसको तोड़ रहे हैं। तो यहां पर कांग्रेस आरोप लगा रही है कि आपने राजनीतिकरण के चक्कर में यहां पर इतनी भयंकर बीमारी के लिए भी जो आइसोलेशन वार्ड बना था वहां भी आप चले गए। तो फिलहाल अब यही विकल्प है प्रशासन के पास कि वो निगरानी करे सूर्यकांत धस्माना की। तो ऐसे में 14 दिन तक सूर्यकांत धस्माना को अपने ही घर में रहना होगा और खास तौर पर उनके साथ जो कार्यकर्ता भी आइसोलेशन वार्ड में चले गए थे, उनके साथ साथ जो भी चल रहे थे उस दिन, उनको भी चिन्हित किया जा रहा है। तो जिलाधिकारी ने निर्देश दे दिए हैं कि उन सभी कार्यकर्ताओं को 14 दिन तक आइसोलेशन में रखा जाए, क्योंकि जो कोरोना है उसके लक्षण बाहर आते आते 14 दिन का वक्त लग जाता है। तो एक तरफ जहां पूरी तरह सतर्कता बरती जा रही है, ये आदेश जारी कर दिया गया है कि 50 से ज्यादा लोग एक जगह इकट्ठा ना हो, दूसरे से मिलने जुलने पर रोक है, वहीं आइसोलेशन वार्ड में चले जाना सूर्यकांत धस्माना का ये वाकई में एक बड़ा कहेंगे दुर्भाग्यपूर्ण कदम रहा जिस पर बीजेपी भी हमला कर रही है। और दीपांकर भट्ट कांग्रेस भवन से हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं और सुनील और प्रभात राजधानी के अगले दूसरे हिस्से से हमारे साथ जुड़े हैं। दीपांकर, अब इस पर सवाल क्या करें किसी से कि क्या आपको जानकारी नहीं थी कि कोरोना कैसी बीमारी कैसे फैलती है, या आपका अति उत्साह था कि आप आइसोलेशन का मतलब ही भूल गए और वार्ड के अंदर घुस गए। बिल्कुल प्रीति, वक्त वक्त पर राजनेता माहौल का इस्तेमाल करते हैं खुद के पब्लिसिटी के लिए, और यहाँ पर भी कुछ इसी तरीके से हुआ है कि आइसोलेशन वार्ड, वो भी कोरोना जैसी महामारी में जिसमें पूरा देश अलर्ट है, स्टेट अलर्ट है, डीएम अलर्ट है, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है, ऐसे में अगर आप राजनीति का अड्डा किसी अस्पताल को बना देंगे तो बेहद गलत है और इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम। बीजेपी ने भी इसकी निंदा की है कि कांग्रेस नेताओं का, उनके कार्यकर्ताओं का ये स्टेप बिल्कुल गलत है, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। हालांकि अब पाबंदी लगा दी गई है सूर्यकांत धस्माना पर। सूर्यकांत धस्माना जी जो प्रदेश उपाध्यक्ष है कांग्रेस के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। धस्माना जी स्वागत है आपका। पहला सवाल यही कि आप आइसोलेशन वार्ड में क्यों गए, क्या जानकारी का अभाव था, क्या था? नहीं प्रीति, दो बातें हैं। पहली बात तो ये है कि मैंने अस्पताल प्रशासन को, सीएमएस को, डिप्टी सीएमएस को और दून हॉस्पिटल जो मेडिकल कॉलेज है उसके पीआरओ को सुबह 10 बजे सूचित किया था कि मैं 12:30 बजे अधिकारियों से मिलने आऊंगा, जो तैयारियां हैं उसके बारे में मैं जानकारी चाहता हूं, क्योंकि डेंगू का तजुर्बा हमारे पिछले साल का बहुत खराब है। पिछले वर्ष जब डेंगू हुआ तो देहरादून में दर्जनों मौतें हो गई और हजारों लोग उसमें संक्रमित हुए और परेशान हुए। उस पूरे दौरान मैं 1.5 महीने तक अस्पताल के चक्कर लगाता रहा, लोगों से मिलता रहा। तो मैंने कहा कोरोना की क्या तैयारी है, इसके बारे में मैं जानकारी चाहता हूं। जी बहुत अच्छी बात है, ये विपक्ष को होना ही चाहिए कि सरकार की तैयारियों पर नजर रखे, लेकिन अपने साथ साथ ये लोगों की जान को मुसीबत में डालना नहीं है। कोरोना को लेकर कितने अलर्ट जारी किए गए, क्या आपको पता नहीं था डेंगू या आम बीमारी जैसी नहीं है कोरोना? प्रीति, मुझे मालूम है, मैं इसीलिए अस्पताल के प्रशासन को बता के गया था। सबसे पहले तो प्रशासन, जो हॉस्पिटल के सीएमएस हैं, उनको ही मुझे कह देना चाहिए था कि आप ना आए, हम आपको वैसी जानकारी दे देंगे। गांजी ठीक है, उन्होंने नहीं कहा, लेकिन आप भी तो एक नागरिक है, जनप्रतिनिधि है, कितने लोगों में उठना बैठना, आपको तो ख्याल रखना चाहिए था।
नहीं, मैंने ख्याल रखा है इस बात का, मैं आपको पूरी बात बता रहा हूँ। मैं अस्पताल गया डबल मास्क लगा करके, सैनिटाइज होकर के, और मैंने वहां पर जब देखा कोई अधिकारी था ही नहीं। मुझे गार्ड ने कहा कि सामने वार्ड है, आप वहां जाकर पता करना। सारी बातें आपकी सच है और ये अच्छी बात है कि आप गंभीर थे और गए अधिकारियों से मिलते, उनसे जानकारी लेते, आइसोलेशन वार्ड के अंदर घुस गए। हम सब जान रहे कि कितनी जल्दी ये बीमारी फैलती है, तो फिर कांग्रेस पर जो बीजेपी आरोप लगा रही कि आप सियासत कर रहे हैं कोरोना जैसी महामारी पर, फिर उस पर यकीन क्यों ना करें? नहीं, आप पहली बात तो यह है कि ये सियासत का सवाल इसलिए नहीं उठता कि मैं अस्पताल में अक्सर, अभी अभी एक हफ्ते पहले आपके चैनल ने कवर भी किया था, एक महिला के गर्भ में 8 दिन तक मरा हुआ बच्चा था जिसका ऑपरेशन नहीं किया गया। जब मैं पहुंचा मैंने आपत्ति जाहिर करी, तब जाके 9वें दिन उसका बचा हुआ मरा हुआ बच्चा निकाला गया। हम आपकी कोशिशों के और आप जो जागरूकता है उसकी हम तारीफ कर रहे हैं, लेकिन कोरोना ऐसी बीमारी नहीं है, आपको नहीं जाना चाहिए था। आप देखिए यहाँ पर लोगों से मिलने जुलने पर रोक है, लोग यहाँ से अस्पताल से भाग जा रहे हैं, स्क्रीनिंग हो रही है, तो आपने अपने साथ साथ कईयों की मुसीबत नहीं बढ़ा दी? अब 14 दिन तक आपको भी आइसोलेटेड रहना पड़ेगा। कोई बात नहीं है, मैं रहूंगा, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि क्या मेरी जिम्मेदारी नहीं है कि मैं अधिकारियों से पता करूं कि आपकी क्या क्या तैयारियां हैं? एक पूरे दुनिया में जिस बीमारी का आतंक फैला हुआ है, उस बीमारी के बारे में अगर मैं एक जिम्मेदार नागरिक, आप राजनेता छोड़ दीजिए, आप ये कांग्रेस का उपाध्यक्ष छोड़ दीजिए, मेरी जिम्मेदारी थी, मैं जिम्मेदारी में गया, मेरी ये गलती ये हुई, मैं निश्चित तौर पर स्वीकार कर रहा हूं। बिल्कुल धस्माना जी, हम वही कह रहे हैं कि आपने जिम्मेदारी निभाई उसकी तारीफ, लेकिन आपको अपनी सेहत के साथ साथ औरों की सेहत का भी ख्याल रखना चाहिए। तो फिलहाल हम यही कामना करते हैं कि जो भी 14 दिन का वक्त है आप पूरी तरह से स्वस्थ निकले, क्योंकि जो आपके साथ कार्यकर्ता थे उनको भी ढूंढा जा रहा है। आप सवाल उठाइए, आप व्यवस्थाओं का जायजा लीजिए, लेकिन कृपा करके जब आपके और आपके साथियों की जिंदगी इस तरह से थोड़ी प्रभावित होती है तो थोड़ा अधिकारियों से जानकारी लेकर उस पर नजर रखेंगे तो अच्छा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सूर्यकांत धस्माना जी। तो यही कामना करेंगे कि स्वस्थ निकले आप। उत्तराखंड में एक जो कोरोना का पॉजिटिव आए हैं मरीज, तो अब ये संख्या ना बढ़े ये हम कोशिश करेंगे। तो हमारे साथ सुनील भी जुड़े हुए हैं। सुनील, फिलहाल बताइए यहाँ पर देहरादून में किस तरह की आज की बड़ी खबरें हैं कोरोना से जुड़ी हुई, क्योंकि नेताजी नेतागिरी के चक्कर में और उनके कार्यकर्ताओं को तब लिया ही जाएगा रडार पर और उन पर निगरानी 14 दिन तक रखी जाएगी। देखिए प्रीति, सूर्यकांत धस्माना भले ही कितने ही गंभीर हों और भले ही वो कुछ भी बात कह लें, लेकिन ऐसी चिंता भी किस बात की कि जो पूरे जनमानस को, जो हजारों लोगों को परेशानी में डाल दे, परेशानी का सबब बन जाए। धस्माना जी आइसोलेट कर दिए गए, ये ठीक बात है, मौका रहते हुए प्रशासन ने अलर्टनेस दिखाई, लेकिन उनके साथ जो पार्टी वर्कर्स उसके साथ साथ दून हॉस्पिटल में गए थे, और कल से करीब 24 घंटे के आसपास का समय बीत चुका है, वो पार्टी वर्कर्स अभी प्रशासन की पकड़ में नहीं है, उनको आइसोलेट नहीं किया गया है। खुदा न खास्ता यदि वो संक्रमित हैं तो इस बीच कितने लोगों को इन्फेक्टेड कर चुके होंगे, धस्माना जी को ये बात अच्छे से ज्ञान होनी चाहिए और इसकी गंभीरता का उनको अंदाजा लगा देना चाहिए कि वो आखिर किस जगह गए थे। आप मौत बिल्कुल। दीपांकर हमारे साथ कांग्रेस कार्यालय से जुड़े हुए। दीपांकर, तो हम तो कहेंगे कि आप भी सतर्क रहे हैं यहाँ पर, तो क्या उन कार्यकर्ताओं को चिन्हित कर लिया गया है जो अपने नेताजी के साथ साथ कल आइसोलेशन वार्ड में चले गए थे, अस्पताल में चले गए थे? बिल्कुल प्रीति, जिस तरह सुनील बता रहे हैं कि उनकी जिला प्रशासन से बातचीत हुई और जिला प्रशासन की अब इस बात पर नजर है कि सूर्यकांत धस्माना के साथ और जो लोग गए थे वहां पर दून हॉस्पिटल में, उनकी निगरानी की जाए, उनको पकड़ा जाए ताकि उनको भी आइसोलेट किया जाए। लेकिन अब सुनील इस बात को कन्फर्म कर पाएंगे या डीएम से बातचीत का कन्फर्म हो पाएगा कि उनको किस तरीके से उनकी तैयारियां रहेंगी। लेकिन कांग्रेस भवन की मैं आपको तस्वीर दिखाऊं तो कांग्रेस भवन 2 दिन से सन्नाटा पसरा हुआ है। कांग्रेस भवन में कोई भी यहां पर आने को तैयार नहीं है जिस तरह कोरोना के हालात बने हुए। इसके साथ साथ मैं आपको राजपुर रोड देहरादून की सबसे व्यस्त रोड है और इस रोड में मैं आपको दिखाऊं कि देहरादून में स्टूडेंट्स है, स्कूल है, कॉलेजेस है, आम लोग भी अब धीरे धीरे सड़कों से हटने लगे। आप देखिए तस्वीरें, आमतौर पर सुबह 10 से 11 बजे राजपुर रोड खचाखच ट्रैफिक से भरी होती है और इस वक्त आप देखिए कि रोड में आपको मामूली सा ट्रैफिक दिखाई देगा, वही लोग जो जरूरत के लिए बाहर निकल रहे हैं। तो ये तस्वीरें साफ करती है कि कोरोना कितना खतरनाक है और सुझाव यही है मुख्यमंत्री की तरफ से, WHO की तरफ से, प्रधानमंत्री की तरफ से कि भीड़ भाड़ से बचे। बिल्कुल दीपांकर, तो आप लोगों से भी यही कहेंगे कि क्योंकि खबरें पहुंचाना जिम्मेदारी हम लोगों की, लेकिन आप लोग भी ख्याल रखें क्योंकि ये कह दिया गया कि 50 से ज्यादा लोग अब एक जगह इकट्ठा ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इन सबके बीच अच्छी खबर ये कि कोरोना के संदिग्ध IIT रुड़की के छात्र को डिस्चार्ज आज किया जा सकता है। पिछले 15 दिन से हरिद्वार के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती था, छात्र पूरी तरह से स्वस्थ है। हालांकि छात्र की रिपोर्ट अभी तक नहीं आई लेकिन उसमें ऐसे कोई भी लक्षण नजर नहीं आए।
सस्पेक्टेड था, इससे छात्र को अस्पताल में रखा गया था। 14 दिन का वक्त होता है, अब जबकि वो मियाद पूरी हो गई है और किसी भी तरह के लक्षण ऐसे सामने नहीं आए तो हो सकता है कि छात्र को आज अस्पताल से छुट्टी मिल जाए। तो हर दिन हालात को देखते हुए नए नए कदम उठाए जा रहे हैं। अब अगर 50 से ज्यादा लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं फिर कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि साफ निर्देश दे दिए गए हैं कि 50 से ज्यादा लोग, चाहे वो शादी समारोह हो, प्रदर्शन हो, कोई भी सामाजिक कार्यक्रम हो, 50 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं होंगे। ये अब एक लिमिट तय कर दी गई, एक सीमा लोगों की तय कर दी गई है संख्या की। सचिवालय, अस्पतालों में विजिटर्स की एंट्री पर रोक है। सरकार के 3 साल के पूरे होने पर जो राज्य में कार्यक्रम होने थे वो भी नहीं हो रहे हैं, और अब तक कुल 32 संदिग्ध मरीजों के सैंपल राज्य में ले जा चुके हैं। राहत की बात यह रही कि 22 नेगेटिव आए हैं, 1 पॉजिटिव आए हैं जो कि IFS अधिकारी बाहर ट्रेनिंग के लिए गए थे, जबकि अभी 6 रिपोर्ट्स का इंतजार किया जा रहा है और 3 मरीज अभी आइसोलेशन में है। वहीं अब नया नाम इसमें जुड़ गया है कांग्रेस के उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना का, और बाकी कार्यकर्ताओं को भी चिन्हित किया जा रहा है। और एक राहत भरी और अच्छी खबर एक और यह है, जो पॉजिटिव पाए गए IFS के अधिकारी उनके 3 साथियों की रिपोर्ट नेगेटिव आई, तो बहुत बड़ी राहत की बात है। 6 संदिग्ध लोगों के ब्लड सैंपल जांच के लिए भेजे गए थे जिनमें से सभी के सैंपल रिपोर्ट नेगेटिव आई है। वहीं कोरोना से पीड़ित ट्रेनी IFS अधिकारी को आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है और उनकी हालत में भी अब धीरे धीरे सुधार हो रहा है। तो राज्य भर में जिसमें भी कोरोना के थोड़े लक्षण है, जो थोड़ा सा भी सस्पेक्टेड नजर आ रहा है, उनके सैंपल तुरंत जांच के लिए भेजे जा रहे हैं, उन्हें तुरंत आइसोलेट किया जा रहा है। तो 22 रिपोर्ट तक नेगेटिव आई है, जबकि स्पेन से यात्रा कर लौटे ट्रेनी IFS के सैंपल जो पॉजिटिव आया था, जो राज्य का एकमात्र अब तक का कोरोना पॉजिटिव केस है, तो उनकी भी सेहत में अब सुधार हो रहा है। तो फिलहाल अभी हमें कह सकते हैं कि कंट्रोल करने की कोशिश हो रही है और यह नया नियम बना दिया है। अगर आप भी कोई सामाजिक कार्यक्रम करने जा रहे हैं या कोई सोशल ऐसे इवेंट करने जा रहे हैं तो 50 से ज्यादा संख्या आप इकट्ठा नहीं कर सकते हैं, ये एक सीमा सरकार की तरफ से तय कर दी गई है। और इन सबके बीच जिस तरह से हमारे देश में कोरोना को लेकर एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं, WHO के विश्व स्वास्थ्य संगठन ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की है, कहा है कि भारत के पास रिसर्च के बढ़िया साधन है। तो जो हमने कोशिश की लगातार, आप देखिए जिस तरह के अभियान चलाए जा रहे हैं, लोगों को अलर्ट किया जा रहा है, हर जगह आइसोलेशन वार्ड खोले गए हैं, अगर एयरपोर्ट की बात करें आने जाने वालों पर नजर रखी जा रही, स्क्रीनिंग की जा रही है, तो इन तमाम कदमों की तारीफ की है WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन ने। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेहतर काम किया है और भारत के पास रिसर्च के बढ़िया साधन है। तो WHO जिसने महामारी घोषित कर दिया है पहले कोरोना को, वो भारत में जिस तरह से बचाव के लिए कदम उठाए जा रहे हैं देश की सरकार की तरफ से, उससे खुश है, संतुष्ट है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कदमों की तारीफ की है। तो चाहे राज्यों की सरकारों की बात करें, देश की सरकार की बात करें, हर कोई इस ओर जो भी दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं उसका पालन कर रहे हैं, लेकिन परिवहन विभाग की बात करें तो ऐसा लग रहा है मानो उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। चाहे टैक्सी स्टैंड की बात करें, बस स्टैंड की बात करें, जहां सैनिटाइजेशन होना था लेकिन वहां कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। देखिए जरा रियलिटी चेक में क्या सच्चाई निकलकर सामने आई है। सरकार ने कोरोना को महामारी घोषित कर दिया, लेकिन टैक्सी मैक्स स्टैंड पर सैनिटाइजर की कोई व्यवस्था नजर नहीं आ रही है, जिसकी शिकायत यात्री भी कर रहे हैं। न्यूज 18 की टीम ने जब टैक्सी स्टैंड पर रियलिटी चेक किया तो वहां पर ना तो सफाई मिली और ना ही सैनिटाइजर की कोई व्यवस्था। नहीं मैम, यहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं है कि सैनिटाइजर का, स्पेशली राजधानी ट्रेन में तो अवेलेबल है फैसिलिटी, एयरपोर्ट पे फैसिलिटी अवेलेबल है, लेकिन टैक्सी स्टैंड में, बस सर्विसेज में कोई अवेयरनेस नहीं है पैसेंजर को। जैसे गाड़ी आ रही है वो रोज ही गाड़ी धुल रही है, भले ही सैनिटाइज नहीं हो रही है, क्योंकि हमारी जो गाड़ी आ रही है ऊपर पूरा मलबा आ रखा है, डेली गाड़ी जा रही है तो डेली गंदी होकर गाड़ी वापस आ रही है, तो डेली अपने अपने गंतव्य स्थान पर पहुँच के गाड़ियाँ धुल रही हैं। पर हम अपने ड्राइवरों को भी बता रहे हैं, मोटर मालिकों को भी बता रहे हैं कि ड्राइवर के पास अपना सैनिटाइजर होना चाहिए, मुँह में मास्क होना चाहिए लगा हुआ। कोरोना वायरस के मद्देनजर भले ही ये कहा जा रहा हो कि गाड़ियों को सैनिटाइज किया जाए, लेकिन टैक्सी स्टैंड पर ऐसा कुछ भी देखने को यहाँ पर नहीं मिल रहा है। भर कर इन टैक्सीज को ले जाया जा रहा है, पहाड़ों में सफर कर रही है, लेकिन इन गाड़ियों में अगर सैनिटाइजेशन की बात की जाए तो वो कहीं पर भी नजर नहीं आ रही है। लोगों की भीड़ जो है वो यहाँ पर पूरी तरीके से इन टैक्सियों में भरी हुई है, लेकिन अगर व्यवस्थाओं की बात की जाए तो न ड्राइवर और
यहाँ पर जो टैक्सी स्टैंड के अध्यक्ष हैं उनकी तरफ से भी किसी तरह की कोई व्यवस्था यहाँ पर नहीं नजर आती है। यही हाल बस अड्डे पर भी दिखा, जहाँ पर खचाखच भरी बस में कंडक्टर और ड्राइवर में मास्क और सैनिटाइजर को लेकर कोई जागरूकता नहीं नजर आई। हाँ, यात्रियों में जरूर जागरूकता दिखाई दी। कोरोना वायरस को लेकर पूरे देश भर में अलर्ट है, उत्तराखंड में भी महामारी घोषित हो गया है, लेकिन क्या बसेस में सैनिटाइजेशन की व्यवस्था है, ये जानने के लिए जब हम बसेस में आए हैं तो फिलहाल तो यहाँ पर ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है। भैया, मास्क वगैरह मिला सैनिटाइजेशन का यूज? नहीं मिला। क्या बोला गया रेल पर्सन? बोल रहे थे कि सोमवार तक आ जाएगा, अभी तो आया। तक आप लोगों ने अपनी तरफ से नहीं व्यवस्था की? नहीं, अपने तरफ से तो है, अब अपने जेब में रखा हुआ। जेब में बताओ, अगर कुछ हो गया, वैसे भी एक केस पॉजिटिव आ गया, फिर घर ही जाएंगे, अब कुछ नहीं होता। हम गाड़ी छोड़ी, अभी आए हूँ उधर से। आप बताइए, आप ट्रैवल कर रहे हैं, क्या आपको लग रहा है यहाँ पर है व्यवस्था है सैनिटाइजेशन की? हमें तो कोई व्यवस्था नहीं मिली। नहीं मिली। भीड़ भाड़ से ये कहा जा रहा है कि परहेज किया जाए, ना जाया जाए वहाँ पर, फिर अभी हमें को वो मिला नहीं अभी को। आप बताइए मुझे, आप कहाँ ट्रैवल कर रहे हैं, लग रहा है आपको इस बस में कुछ है सैनिटाइजेशन की व्यवस्था? हमारी सरकार ने कुछ व्यवस्था नहीं कर रही है, हमें लगता है कि करेगी भी नहीं सरकार, ऐसी है। आपने एहतियात बरते हुए, लेकिन आपने मास्क लगाया हुआ है, तो क्या लगता है आपको अपनी सेफ्टी अपने हाथ? यस, अपनी सेफ्टी अपने हाथ। यहाँ बसेस में तो नहीं है कुछ भी, तो तभी भी सेफ्टी तो बनाए रखनी पड़ती है। तो ये आपने देखा, यहाँ पे बसेस में किसी तरह की कोई व्यवस्था नजर नहीं आ रही है, ना यहाँ पर मास्क है और ना ही इसके अलावा किसी तरह की कोई सैनिटाइजेशन की व्यवस्था है। रेलवे ने कोरोना को लेकर सतर्कता जरूर बरती है। देहरादून में रेलवे ने सभी कर्मचारियों और अधिकारियों की मीटिंग बुलाकर सभी को एहतियात बरतने के निर्देश दिए हैं। साथ ही सभी एसी कोचों से कंबल और पर्दे भी हटा दिए गए हैं। सीटें बर्थ हैं, उन सबको साफ सफाई की जा रही है, स्टेशन को साफ सफाई की जा रही है। दो दिन से हम लोगों ने यहाँ पर ब्लैंकेट देना बंद भी कर दिया है, और जो एसी वगैरह का टेम्परेचर है वो 25 की जगह थोड़ा सा हायर साइड पर रखा है, क्योंकि ये वायरस जो है वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद ये जल्दी पनप नहीं पाता, खत्म हो जाता है। देहरादून में टैक्सी मैक्स और बस स्टैंड पर कोरोना को लेकर लोगों में तो जागरूकता दिख रही है, लेकिन विभाग को लगता है कि कोरोना से कोई लेना देना नहीं। टैक्सी और बस में कई यात्री सफर करते हैं, जिन्हें सावधान रहने की बेहद जरूरत है। न्यूज 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। चलिए फिलहाल एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं।